अब घर में डिपो नहीं चला सकेंगे संचालक राशन डिपो संचालकों की मनमानी पर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त। POS में परिवार का सदस्य ही होगा नॉमिनी। राशन डिपो संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब सख्त हो गया है। इसके चलते विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि कोई भी डिपो संचालक अपने घर के अंदर डिपो नहीं चलाएगा। अगर आसपास होगा तो वह भी दुकान में चल सकेगा। POS को ऑपरेट करने की पावर परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाकर ही दी जा सकेगी। नियम को लेकर अशोक कुमार शर्मा की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। विभागीय आदेशों में बताया गया है कि जिस तरह डिपो अलॉट हुआ है, जिस जगह पर डिपो अलॉट हुआ है उसी स्थान पर ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि देखने में आया है कि कुछ डिपो संचालक निर्धारित स्थान पर ही राशन वितरण न करें किसी अन्य जगह पर वितरित करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इसमें यह भी बताया गया कि अगर किसी वार्ड या गांव में सप्लाई अटैच भी की गई है तो डिपो संचालक ही विभाग से निर्धारित स्थान पर बैठकर ही राशन वितरित कर पाएंगे। विभागीय निरीक्षण में अगर कोई डिपो संचालक इस तरह की गड़बड़ी करता मिला तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। डिपो संचालकों को भी मार्जिन राशि विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, वह बैंक खाते में ही दी जाएगी। इसके लिए डिपो संचालकों को अपने बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड के प्रति आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर विभाग में जमा करने होंगे, जिससे समय पर उनके खाते में मार्जिन राशि डाली जा सके। अगर यहाँ भी डिपो संचालक समय पर अपनी डिटेल जमा नहीं कराते हैं तो देरी के लिए उन्हें स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा। अगर कोई डिपो संचालक खाता नंबर भी खुद वेरीफाई नहीं कराता तो इसमें भी उसी की गलती मानी जाएगी। जिस स्थान पर राशन वितरित करेगा वहाँ बोर्ड पर स्टॉक भी अंकित करेगा, साथ ही लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताएगा। बोर्ड पर विभागीय अधिकारियों के नंबर भी दर्ज होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उपभोक्ता इसका यूज कर सकें। अगर किसी को राशन मिलने में परेशानी है तो वह उपभोक्ता अपनी शिकायत भी कर सकते हैं।